Hi guys, welcome back to our channel Realty 360 Degree. This is your host cum property advisor Jolly Yadav. And guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ ईस्ट ऑफ सिद्धार्थ विहार की लोकेशन पर हमारे आज के प्रोजेक्ट द एलिमेंट पर. इट्स अ वेरी लग्जरी प्रोजेक्ट दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इन दिस लोकेशन. ये प्रोजेक्ट मई 2024 में लॉन्च किया गया था. एंड इसके पोजेशन की हम बात करें तो रेरा के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट 2028 तक कम्प्लीटली डिलीवर हो जाएगा. यहाँ पर आपको स्मार्ट होम्स मिलते हैं, वो भी लग्जरी कैटेगरी में. सो आवर टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द एलिमेंट. ये प्रोजेक्ट ईशान ग्रुप एंड निराला इंडिया परिवार का ज्वाइंट वेंचर है. ईशान ग्रुप की हम बात करें तो ये झारखंड बेस्ड ग्रुप है जिनकी मेजर प्रेजेंस झारखंड में है, बट इनके इंडिया में लखनऊ देहरादून में भी कई सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं. उसके साथ साथ निराला इंडिया परिवार के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. नोएडा के काफी पुराने बिल्डर हैं एंड 6 से 7 प्रोजेक्ट ये नोएडा में डिलीवर कर चुके हैं. ईशान ग्रुप पैन इंडिया ग्रुप है एंड अप्रोक्स 10 प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं. एंड दिस इज देयर ज्वाइंट वेंचर. ये प्रॉपर्टी जो आपकी है ये GDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, फुली पेड अप लैंड रहेगी. लोकेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार के ऑपोजिट लोकेटेड है, सेक्टर 11, जिसे कि ईस्ट ऑफ सिद्धार्थ विहार कहा जाता है. अगर आप नोएडा से आते हैं तो आपको NH24 लेना है एंड NH24 पर अगर आप नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से सपोज चलते हैं तो आपको अप्रॉक्स 7 मिनट्स की ड्राइव पर टुवर्ड्स योर लेफ्ट आ जाता है आपका सिद्धार्थ विहार रीजन. एंड यहीं पर आपका प्रोजेक्ट सिचुएटेड है. यहाँ से आपको कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिल जाती है. NH24 इज अराउंड 3 to 4 मिनट्स फ्रॉम हियर. सामने आपका विश्वकर्मा रोड है, यहाँ से आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाती है. शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन, यहाँ से अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट रैपिड रेलवे स्टेशन भी यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस पर है. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन इज हार्डली 7 to 8 मिनट्स फ्रॉम दिस लोकेशन. नोएडा इज 10 मिनट्स. ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा 20 मिनट्स रहेगा. सेम आपका दिल्ली भी अराउंड यहाँ से 20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. एंड नोएडा एक्सटेंशन इज अराउंड 10 मिनट्स फ्रॉम दिस लोकेशन. सो लोकेशन इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. एंड यहाँ से अगर हम नियर बाय हॉटस्पॉट एंड प्लेसेस की बात करें, इनफैक्ट नेबरहुड की हम बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट के अराउंड पूरा ही लो राइज एरिया है. ये सिंगल हाई राइज प्रोजेक्ट है इस पूरी लोकेलिटी का. तो आपको अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको आपके फ्लैट से पूरा ओपन व्यू मिलने वाला है. कोई भी हाई राइज फ्यूचर में भी डेवलप यहाँ पर नहीं होगा. एंड GDA अप्रूव्ड सोसाइटीज यहाँ पर नजदीक में रहेंगी, तो आपको यहाँ पे जेंट्री भी काफी अच्छी मिल जाएगी. मार्केट प्लेसेस की बात की जाए तो मार्केट प्लेसेस यहाँ से आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेंगे. काफी सारे कमर्शियल्स यहाँ पर नजदीक में है, लोकल मार्केट नजदीक में है. स्कूल्स आपको 4 से 5 यहाँ पर मिल जाते हैं. DPS स्कूल इज देयर, CHSP स्कूल इज देयर, लीलावती स्कूल बिल्कुल नजदीक में है. उसके साथ साथ मॉल्स की हम बात करें तो यहाँ पर आपको RDC जो कि अराउंड यहाँ से 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पर है, वहाँ पर आपको काफी सारे मेजर आउटलेट्स मिल जाते हैं. शिप्रा मॉल आपका 10 मिनट की दूरी पर है. इंदिरापुरम यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है. उसके साथ साथ अब मैं बात कर लेती हूँ कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस यहाँ पर संतोष मेडिकल कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस पर है. ABS इंजीनियरिंग कॉलेज ये आपका अराउंड यहाँ से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. सो गाइस, दैट वाज द लोकेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ दिस प्लेस, जो कि काफी ज्यादा ब्रॉड है एंड काफी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है. परफेक्टली लोकेटेड प्रोजेक्ट है. एंड गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में. दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया 3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है. एंड आप यहाँ पर काम देखिए, बेसमेंट पूरी रेडी हो चुकी है, एक्सकवेशन इज कम्प्लीट एंड यहाँ पर बेसमेंट पे इन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है. 100% RCC फ्रेमवर्क पर ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा. 1.56 एकर्स की ये लैंड एरिया रहेगा एंड इसमें सिर्फ 2 टावर्स रहेंगे. फिलहाल बिल्डर ने सिर्फ एक ही टावर लॉन्च किया है, टावर 1, जिसमें आपके कम्प्लीटली 3 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट्स रहेंगे. इसके अगर मैं टावर हाइट की बात करती हूँ तो प्रोजेक्ट आपका S+28 के टावर हाइट के साथ डेवलप किया जाएगा, जिसमें आपको
दो लेवल में बेसमेंट पार्किंग मिल जाएगी। एंड जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि टावर ए में आपके कम्प्लीटली 3 BHK प्लस सर्वेंट रहेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही साइज मिलेगा, 2450 स्क्वायर फीट का आपका साइज रहेगा। एंड पर फ्लोर आपकी 4 units रहेंगी, जिसमें आपको 3 high-speed एलिवेटर्स भी मिल जाएंगे। सेकेंड टावर फिलहाल लॉन्च नहीं किया गया है एंड वो आपका फ्यूचर एक्सपेंशन का पार्ट रहेगा। बिल्डर वैसे रेरा के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को 2028 तक कम्प्लीटली डिलीवर करना है, बट बिल्डर इसको 2 parts में बनाएंगे। सबसे पहले वो टावर ए को डेवलप करेंगे एंड इसको अगले 2 साल में डिलीवर कर देंगे, एंड उसके साथ साथ फिर वो टावर बी पे भी काम अपना शुरू करेंगे एंड पूरा प्रोजेक्ट 2028 तक इस तरीके से वो डिलीवर कर देंगे। प्रोजेक्ट में सिंगल एंट्री एंड एग्जिट गेट रहेगा, जिसमें आपको 3-level सिक्योरिटी मिल जाएगी। एंड प्रोजेक्ट में 70% आपका ओपन कम ग्रीन एरिया रहेगा एंड सिर्फ 30% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन की जाएगी। टावर ए की अगर हम बात करें तो टावर ए में टोटल यूनिट्स अप्रोक्स 112 रहेंगी, पूरे प्रोजेक्ट में अप्रोक्स 156 यूनिट्स ही रहेंगी। सो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा लो डेंस भी रहेगा। द एलिमेंट प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट 5 तत्व पर आधारित है, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। ऑल दीज एलिमेंट्स क्रिएट्स अ होलिस्टिक एंड बैलेंस्ड लिविंग एक्सपीरियंस इन दी सोसाइटी। प्रोजेक्ट में लग्जरी क्लब हाउस रहेगा, जिसमें 25+ डिमांडेबल हाई एंड अमेनिटीज रहेंगी। फॉर इंस्टेंस स्विमिंग पूल, लैंडस्केप पार्क, एरोबिक्स एंड योगा हॉल, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली होम, किड्स प्ले एरिया, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सेंसर बेस्ड लाइटिंग, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट, कम्युनिटी हॉल, वाटर फाउंटेन, वेटिंग लाउंज, ग्रैंड एंट्रेंस, लाइब्रेरी, लॉन टेनिस कोर्ट, ओपन जिम, स्केटिंग रिंक, 11-foot सीलिंग, AC इन ऑल बेडरूम्स, जिमनेजियम एक्सेट्रा। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट द एलिमेंट एसेंस ऑफ लाइफ। दिस प्रोजेक्ट ऑफर्स यू प्रीमियम 3BHK प्लस सर्विंग फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट होम्स। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। अब एंड में हम आ चुके हैं वीडियो के, तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कुछ USPs बता देती हूँ। सबसे पहली USP ये रहेगी कि ये प्रोजेक्ट आपका 100% RCC फ्रेमवर्क के साथ डेवलप किया जा रहा है। सेकेंडली, ये प्रोजेक्ट आपको सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स ऑफर करते हैं, जिसमें आपकी 5 ACs इंक्लूडेड रहेंगी, मॉड्यूलर किचन, 11-foot सीलिंग हाइट, लाइट्स, फैंस, फॉल सीलिंग, डिजिटल होम्स विद एलेक्सा कंट्रोल एंड यहाँ पर आपको डिजिटल स्विचेस भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ बालकनीज में आपके टफंड ग्लासेस रहेंगे एंड यहाँ पर वॉल्स पर आपको प्लास्टिक पेंट भी मिल जाता है। गाइज, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको वार्डरोब्स नहीं मिलेंगे, वार्डरोब्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोजेक्ट में 70% ओपन कम ग्रीन एरियाज रहेंगे, जिसमें आपको 25+ अमेनिटीज मिल जाते हैं, सारे आउटडोर गेम्स आपके प्रेजेंट रहेंगे, मल्टीपल गार्डन्स मिल जाते हैं एंड इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट आपका 4 site ओपन प्लॉट पे डेवलप किया जा रहा है, यानी कि आपको आपकी बालकनी से व्यू काफी ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। लोकेशन इज द बेस्ट थिंग अबाउट द एलिमेंट, यहाँ से आपको कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिल जाती है, प्लस सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का रेडी हो रखा है। ये फुली डेवलप्ड सेक्टर है, तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एंड गाइज, अब मैं आपको एंड में बता देती हूँ यहाँ के प्राइसेस। सो करंट BSP इज 8,000 पर स्क्वायर फीट, विच गोज अप टू 8,500 पर स्क्वायर फीट, बट देयर इज अ कैच। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, 1,000 rupees पर स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर इनॉग्रल डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही सीमित रहेगा। गाइस, प्राइसेस यहाँ के काफी ज्यादा डिसेंट है अगर मैं सिद्धार्थ विहार के और प्रोजेक्ट से कंपेयर करूँ। फॉर इंस्टेंस, सिद्धार्थ विहार में जो अभी आज के टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या जो भी न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, वो मिनिमम 8,500 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहे हैं एंड द प्राइसेस गोज अप टू अप्रोक्स 10,000 पर स्क्वायर फीट। सिमिलर जेंट्री के प्रोजेक्ट हैं, इनफैक्ट आपको सिद्धार्थ विहार में मिक्स जेंट्री मिल जाती है। वहीं अगर मैं द एलिमेंट की बात करूं, तो द एलिमेंट में आपको होमोजीनियस
जेंट्री मिलती है। यहाँ पर सिर्फ आपके हाई एंड रेसिडेंट्स ही रहेंगे, सो जेंट्री यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलती है, बट काफी ज्यादा रीजनेबल रेट्स में। अभी फिलहाल यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 7,000-7,500 पर स्क्वायर फीट के रेट से आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एक प्रीमियम अपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बट ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। सो गाइस, अगर आप सिद्धार्थ विहार की लोकेशन पर एक अच्छा प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं अपने लिए, चाहे वो सेल्फ यूज के लिए हो या फिर एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो, तो आप द एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों ही कैटेगरीज के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है। आपको स्मार्ट होम्स मिल जाते हैं, सेमी फर्निश्ड होम्स मिल जाते हैं, व्हाट एल्स यू नीड, यहाँ पे अमेनिटीज की कोई कमी नहीं है। सो एक बार आकर इस प्रोजेक्ट को विजिट जरूर कीजिए। द एलिमेंट ईस्ट ऑफ सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड है। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I'm not the one who's running out of time.